ये है एक 2 से 3 साल की बच्ची का पेपलम ड्रेस। इसके साथ ही मैंने बॉटम भी बनाया है। सो वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है रुचि और ये मेरा चैनल है रुचि क्रिएशंस। इसमें मैं ऐसे ही स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये पेपलम ड्रेस बनाने के लिए हमें चाहिए लाइनिंग फैब्रिक और साड़ी का फैब्रिक और एक ब्लाउज़ पीस का जो मैंने फ्रिल के लिए यूज़ किया है वो। तो चलिए हम लोग मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग लाइनिंग फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करके कटिंग करेंगे। तो ये जो मैंने लाइनिंग फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड किया है और एक 1 फोल्ड और कर लिया। ये मेरी सिंपल मेजरमेंट है। लेंथ है 9 इंचेस, शोल्डर है 9 इंचेस और बस्ट जितना आपके बेबी का हो उस अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो चलिए इसको मैंने डबल फोल्ड 4 फोल्ड किया है ताकि दोनों पार्ट एक साथ रेडी हो जाएं। इसकी जो लंबाई है जो ऊपर पेपलम तक के लिए आएगी वो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 11 रखा है और ये 8 इंचेस इसकी विड्थ है। चलिए शोल्डर ले लेते हैं 4.5 में, सेम आर्म होल 4.5। अब इसको मिला लेंगे। अब हम लेंगे बस्ट का मेजरमेंट। जो भी बस्ट है उसका 1/4 हमें यूज़ करना है, 1 इंचेस उस पर मार्जिन। मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ। बेबीज़ में टॉप थोड़े ढीले ढीले ही अच्छे लगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और मैंने वेस्ट एरिया भी 6 ही लिया है। मिला लेंगे। ये विद मार्जिन मैंने लिया है। विद मार्जिन मतलब जो सेविंग अलाउंस हम रखते हैं ना सिलाई के लिए वो मैंने लिया है। उसके बाद मैं 1 इंचेस का मार्जिन और लूँगी। आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब आता है नेक का। नेक हम रखेंगे 2.5 इंचेस की चौड़ाई, क्योंकि ये नेक का जो डिज़ाइनर डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, 1 शोल्डर ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ, तो इसलिए ज़्यादा गहराई नहीं रखेंगे। मैंने 3 ही गहराई रखी है। फ्रंट और बैक दोनों साइड हमें नेक सेम रखना है। नेक की गोलाई दे देंगे। अब 1 इंचेस का मैं साइड से मार्जिन और लेकर के इसको कटिंग कर लेंगे। गाइज़ आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो पे इंटरेस्ट लेते हैं तो। मैं अपने वीडियोस जो है मैं अपनी डॉटर्स के लिए अपने लिए जो भी बनाती हूँ उस उनको बनाने के बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जिससे कि मैं उनको यूज़ करके भी आपको दिखा सकूँ। केवल बना के रखने के लिए शोकेस के लिए नहीं है वो, हम पे मैं दिखाती हूँ कि वो हमने पहना है तो वो कैसा लग रहा है। तो ये हमारी हो चुकी है लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग। अब आता है नेक का डिज़ाइन। मैंने जैसे आपको बताया 1 साइड शोल्डर कट करना है तो इसको 1 साइड से, अब लेफ्ट या राइट आप देख लीजिए आपको जौन सा करना है। देखिए मैंने इस तरीके से इसको इतना शोल्डर हमें कट करना है। ये अब इस तरीके से कुछ ये हमारा दिख रहा है लाइनिंग। अब इसे हम मेन फैब्रिक जो हम यूज़ करने वाले हैं साड़ी का, उस फैब्रिक के ऊपर रख करके ट्रेस करना है। देखिए कटिंग पहले मत कीजिए, पहले रख के सिंपली स्टिच हम कर देंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। क्योंकि साड़ी बहुत हिलती है, मतलब एक जगह में रहेगी नहीं जैसे कॉटन का रहता है, तो मुश्किल हो जाएगा अगर हम पहले ही कटिंग कर लेंगे तो। इसलिए मैं भी सिंपली ऐसे रख के इसको स्टिच करने वाली हूँ, ऑल पिन से सिक्योर करके लाइनिंग को उसमें, और हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये मैं दोनों पार्ट के लिए मेन फैब्रिक को अलग कर रही हूँ। फ्रंट और बैक बनाने के लिए मैंने अलग कर लिया है। ये इस तरीके से रख के हमें स्टिच करनी है चारों तरफ, बस वेस्ट एरिया हमें छोड़ना है, शोल्डर भी हमें छोड़ना है। तो ये मैंने कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसे हम कट करके अलग निकाल लेंगे।
इसके बाद फिनिशिंग के लिए हम थोड़ा थोड़ा कट दे करके इसको पूरा हमें पलटना है। देखिए मैंने शोल्डर स्टिच नहीं किए हैं क्योंकि वो हमें शोल्डर अटैच करते समय चाहिए, इसीलिए मैंने शोल्डर्स को स्टिच नहीं किया। अब ऐसे हम कम्प्लीटली इसको इनसाइड आउट कर लेंगे, पलट लेंगे और उसके बाद इसको एक प्रेस ज़रूर कर लेंगे। और आप चाहें तो फिनिशिंग वाली स्टिच इसके ऊपर दे देंगे, मैं नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ प्रेस कर दूँगी। मैंने प्रेस कर लिया है, आयरन हमें कर देना है। उसके बाद अब हमें शोल्डर्स अटैच करनी है। देखिए शोल्डर्स अटैच करने के बाद, शोल्डर अटैच करने का मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। एक वाले एक पोर्शन को हमें सीधा रखना है, एक को हमें उल्टा रखना है। तो देखिए मैंने एक को उल्टा कर दिया, एक को हमने उल्टा किया है। अब ऐसे इसको अंदर डालना है। ध्यान रहे जो लाइन, जो मेन फैब्रिक है वो दोनों का सामने की तरफ होना चाहिए, जैसे ये मेरा सामने है, उल्टे वाले का भी सीधे वाले का। तब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए कितने नीटली शोल्डर अटैच हो गया है। बस इस तरीके से हमारा शोल्डर अटैच हो गया। अब आता है हमारा ये फ्रिल लगाने की बारी। मैंने ये फ्रिल पहले से ही रेडी करके रखा है क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोसेस था। तो ये देख लीजिए, अब मैंने लाइनिंग लगा के फ्रिल रेडी कर लिया है। आप चाहें तो लाइनिंग लगाइए, नहीं तो आप ऐसे ही पीको वगैरह करवा के यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन था, मैंने घर पे बनाया है तो मैंने ऐसे यूज़ किया है। अब ऐसे फ्रिल देते हुए इसे यहाँ पे पूरा अटैच करना है, ऐसे फ्रिल देते हुए पूरा एक साइड को, पूरा जितना हमने खोल के रखा है उतने में पूरा अटैच करना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे। ये मैंने खोला, ये जो यू शेप बन के आ रही है ना, ये कंप्लीट यू शेप में हमें इसको अटैच करना है फ्रिल देते हुए। तो फ्रिल हम साथ के साथ देते जाएंगे, या आप पहले भी दे सकते हैं, पर साथ के साथ देंगे तो हमें आइडिया लगता रहता है। देखिए गाइस फ्रिल देने के बाद ये कितना क्यूट लग रहा है। अब इसमें एक हमें पाइपिंग लगानी चाहिए नेक में, जिससे कि थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। तो मैं येलो क्लोथ की पाइपिंग को यूज़ करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा फ्रिल जितना भी है उसे हम कट कर लेंगे। साइड में स्टिच दे देंगे। अब साइड में स्टिच हो गया है, अब मैं इसमें पाइपिंग कर रही हूँ। देखिए कितना क्यूट ये लग रहा है। और मेरे पास एक ये लेस का बॉर्डर है, लेस बॉर्डर है लेस लगाने का, उसका मैं वन साइड शोल्डर बनाऊंगी। शोल्डर की मेजरमेंट हमें इस हिसाब से करनी है जितना दूसरे साइड का शोल्डर है उतना ही। तो लगभग ये 4 इंचेस का मैंने लगाया है और नेक हमें 5 इंचेस के गैप में रखना है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पाइपिंग कर रही हूँ गले में। इस तरीके से पाइपिंग लगेगी, ये पाइपिंग लग गई है। अब मैं आपको शोल्डर मैंने जो बताया था वो अटैच करने का तरीका बता देती हूँ। ये रहा, मैंने इस पर लाइनिंग लगा दी है अंदर से। ये बॉर्डर थोड़ा इरिटेट कर सकता है बच्चे को क्योंकि डायरेक्ट शोल्डर स्किन के टच में होना है, तो लाइनिंग ज़रूर लगाई है कॉटन की। मैंने लगा दिया। मैं नेक का देख रही हूँ, 5 इंचेस का गैप रखना है हमें नेक में, और शोल्डर की लंबाई हमें 4 इंचेस रखनी है। तो वो मेरा पार्ट रेडी है। अब आता है नीचे फ्रिल लगाने की बारी। तो जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई की आप फ्रिल लगा सकते हैं। गैदरिंग जितनी अच्छी चाहिए उतनी चौड़ाई का आप कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये फ्रिल लिया है, ये लगा रही हूँ। मुझे नी तक का चाहिए मेरे बच्चे का टॉप, तो मैंने उसी हिसाब से लगाया। इसके नीचे मैंने डबल लेयर शरारा बॉटम बनाया है, उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एवरी सैटरडे मैं अपना स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। तो गाइस ये है मेरी ड्रेस फाइनल लुक। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।